नमस्कार दोस्तों, हमारे स्मार्ट एल्युमिनियम चैनल में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको, आपको बहुत ज़्यादा कमेंट आया था, सर हमें कटर मशीन, आप देख रहे हैं ये कटर मशीन की मैं बात कर रहा हूँ, कटर मशीन का 45 डिग्री और 90 डिग्री में कैसे उसको सेट किया जाता है। दोस्तों आप लोग तो एल्युमिनियम जो है कटिंग करते ही होंगे 45 डिग्री और 90 डिग्री में, बट जैसे मैं करता हूँ आप लोग क्या ऐसे ही करते हैं? अगर दोस्तों आप लोग ऐसे करते हैं तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचता होगा, जैसे मैं करता हूँ, आप लोग अगर ऐसे नहीं करते हैं तो आप लोग टाइम बहुत ज्यादा लगता होगा मशीन को 45 डिग्री में बांधने में और 90 डिग्री में करने में, आपका काफ़ी समय चला जाता होगा, कम से कम 15 से 20 मिनट चला जाता है उसको 45 और 90 डिग्री में सेट करने के लिए। तो मैं आज आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, यही मशीन के बारे में बता रहा हूं दोस्तों, आपको ऐसा तरीका मैं बताऊंगा, आपको ना तो 45 डिग्री में बांधना पड़ेगा ना तो 90 डिग्री में बांधना पड़ेगा, फिर भी आप जब चाहो तब मटेरियल काट सकते हो 90 डिग्री में और 45 डिग्री में। तो चलिए दोस्तों कैसे हम करते हैं उसको, चलिए आपको हम लाइव दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारी है कटर मशीन, ठीक है, छोटा वाला कटर मशीन है, और आपको 45 में और 90 डिग्री में कटिंग करना है तो कैसे इसको सेट करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको जब भी सेट करना रहेगा उसके पहले आपको ये दो तीन सामान लेना पड़ेगा सेटिंग करने से पहले, जैसे राइट एंगल हो गया, दूसरा 45 एंगल हो गया, ठीक है, और एक आपको हथौड़ी भी लेना पड़ेगा, और तीसरा ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इसको लगा के हम ढीला करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो नट दिया गया है, ठीक है, एलंकी है, ये हमारी एलंकी है, ठीक, तो ये सब हमें सेटिंग करने के लिए दिया गया है। हालांकि ये हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे, आपको 45 में हमेशा बांधना नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम आपको पूरा प्रोसेसर दिखाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये बगैर एंगल का सेट नहीं हुआ है, ठीक है, ये इधर उधर जा रहा है, ये इधर उधर जा रहा है, इसको आपको सेट करना है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से आपको राइट एंगल में इसको चेक करना है, 90 डिग्री में आपको कैसे इसको चेक करना है। आप देख सकते हैं दोस्तों राइट एंगल आपको एक लेना है और ब्लेड में और इसमें टच करना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से राइट एंगल जो है चेक किया जाता है, आपका परफेक्ट चेक हो गया राइट एंगल में। तो आपको क्या करना है, इसको जो है टाइट करना है। अब देखिए मिस्त्री भाई हमारे जो है इसको टाइट कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपका जब पूरा फुल टाइट हो जाए, ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो है राइट एंगल में एकदम सेट हो चुका है। अब हम इसको कटिंग करके आपको एक पीस दिखाएंगे, तो आप देख सकते हैं राइट एंगल में चेकिंग हो रहा है, यहाँ पे कटिंग करके आपको हम दिखा रहे हैं लाइव दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये हमारा एक पट्टी कट चुका है, अब राइट एंगल में आप देख रहे हैं चेकिंग कर रहे हैं मिस्त्री भैया, कैसे चेक कर रहे हैं देख सकते हैं। तो ये हमारा जो है 90 डिग्री में पूरा काटकोना सेट हो गया। कैसे सेट करते हैं मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको चेक करना है, पहले राइट एंगल यहां पे टच करना है और गिरा के आपको चेक करना है, दूसरा आपको राइट एंगल खड़ा करके ब्लेड के सहारे चेक करना है, देख सकते हैं ब्लेड में चिपका के, ठीक है, इस हमें चेक करना है। उसके बाद हम आपको दोस्तों इसको 45 में बांध के दिखाएँगे, हाँ देख सकते हैं इस तरीके से ये 45 में कैसे कर रहे हैं आप फिर से एक बार दिखाइए, हाँ इस तरीके से बराबर इस तरीके से आपको करना है, फिर से आप करिए देखिए, हाँ ये ढीला करना है, ढीला करने के बाद आपको जो है यहाँ पे 45 में सेट करना है, सेट करने के बाद दोस्तों आपको इसको फुल टाइट करना पड़ेगा। और फुल टाइट करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपको ये ज़रूरी नहीं रहेगा, आपको ये टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ, इसका ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। मिस्त्री इसको सीधा करिए, आपको दोस्तों ये देखिए ये आपको बांधना है, अब ये बांधने से आपको क्या है, ये बार बार आपको डिग्री में नहीं करना पड़ेगा ऐसा, बराबर, ये डिग्री में करने से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इसके लिए आपको एक सेक्शन कटिंग कर लेना है 45 में, कटिंग करने के बाद आप ये एंगल यहाँ पे टच करके बांधना है। तो ये हमारा पहले से बांधा हुआ है, एकदम परफेक्ट, अभी ये 45 डिग्री में है, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको यहाँ पे एंगल अगर बांध लेंगे आपका तो ये 45 डिग्री में आपको हमेशा यहाँ पे लगा रहेगा। आपको 90 डिग्री कटिंग करना है तो भी आप यहाँ पे रख के कटिंग कर सकते हैं सीधा सीधा, मिस्त्री थोड़ा कटिंग करके आप दिखाइए उस तरह के, रख के दिखाइए बस, कटिंग करके नहीं। तो इस तरीके से आपको देखिए दोस्तों 90 डिग्री में कटिंग करना है सीधा सीधा तो आप कटिंग कर सकते हैं, 45 में कटिंग करना है तो आप यहाँ पे लगा के कटिंग करेंगे इस तरीके से, उसमें टच रहेगा और इस तरीके से आपको कर लेना है। तो गांव में क्या है दोस्तों, बहुत आउटसाइड में बहुत जगह पे
ये इस्तेमाल चीज़ नहीं करते हैं, ये इंगल नहीं बांधते हैं, ठीक है। तो आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बांध लेना। ये दोस्तों मशीन में कंपनी नहीं देती है, ये हमें कारीगर का दिमाग है, ये कारीगर को खुद लगाना पड़ता है दिमाग। तो ये इसको आपको बांध लेना है। अब इसको बांधने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। आपको कोई भी एक पट्टी उठाना है और उसको 45 में आपको पहले से कटिंग कर लेना है, या तो कोई टुकड़ा कटिंग होना चाहिए आपका, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पे टच करके सेट करना है, और ये इंगल आपको एक लेना है, कोई भी 1.5x1.5 का या 1x1 का, यहाँ पे रख के यहाँ पे 3 स्क्रू मार देना है, 3-4 कोई भी मार दो, ठीक है। इस तरीके से आपको सेट कर लेना है। एक बार आपका प्रॉपर सेट हो गया तो आपका हमेशा के लिए झंझट नहीं रहेगा। ये आपको 45 में 90 डिग्री में बांधने की ज़रूरत, आपको घसकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी यहाँ पे कंपनी दिया है, यहाँ पे आपको यहाँ पे घसका सकते हैं, ठीक है। बट ये ज़रूरत हमेशा दोस्तों, ये 1.5 घंटा 1 घंटा आधा घंटा 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट ये ले लेता है आपको राइट एंगल 45 में करने पर। तो आपको अगर ये हमेशा कर लेंगे आप, ज़रूरत आपको पड़ेगा ही नहीं बिल्कुल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।